ले लेते हैं। तो फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, और क्वेश्चन ना आपको लग रहे होंगे थोड़े अलग, क्योंकि मैंने ना अलग अलग टाइप के पूरे क्वेश्चन डालने की उसमें कोशिश करी, ठीक है, 5 सेट में आपके। फर्स्ट है कन्वर्ट, हाँ अलहमदुल्ला, लिंक अभी डाले आपने, ज्वाइन हो गया ना। हाँ, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो हमको ये पता है, हमने हर क्लास में देख लिए थे ना हमारे, कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये देख लिए थे हमारे क्लास में। तो डायरेक्ट करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 से, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 18 × 2 यानी कि 18 दोनी, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, आप 18 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 36। तो आंसर होगा आपका 36। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹300 आफ्टर 5 ईयर, के 5 साल के बाद इंटरेस्ट की बात की गई है, कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹300 हो जाएगा। कब? 5 साल के बाद अगर वो ₹300 हो रहा है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स, तो देन द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो 10 ईयर पर टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए, उन्होंने ये बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5 ईयर का, 5 ईयर का कितना है, पूरे 5 साल का कितना हो रहा, ₹300 हो रहा है ना। अब नेक्स्ट 5 ईयर, अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर पे चले जाए, तो नेक्स्ट 5 ईयर का मतलब क्या है, कि जो इंटरेस्ट है ना, जो प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल भी डबल हो जाएगा। तो जाहिर बात है जो इंटरेस्ट दिया गया है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 3 टाइम्स, डबल नहीं, यहाँ 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का था वो कितना था, 300। अब इसका और क्या कर देंगे हम, 3 टाइम्स कर देंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ कंडीशन दे दिए। तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कितना हो जाएगा वो, 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 साल, ये 5 साल कितने, 10 साल, तो अब ये 10 साल का टोटल कितना होगा, 900 में ऐड कर दो 300, तो कितना हो जाएगा, 1200। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ, ये क्वेश्चन वहां पर क्वेश्चन पीछे गया, इसका क्या था, फ्रैक्शन पे था। अब देखो, फ्रैक्शन का ना मैंने आपको इसमें से बताना था आपको, लार्जेस्ट फ्रैक्शन के सबसे बड़ी कसर कौन सी होंगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन था आपको, पीछे के पेज पे गया। तो देखो, इनको क्या करना, इनको डिवाइड कर लेना आप, और पॉइंट में आंसर लाकर देख लेना। तो डिवाइड करने पे मैं डायरेक्ट दे रही आपको, 1.88 होगा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो, फिर 2.09 होगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको दे देती क्योंकि टाइम देगा, दूसरे दो पेपर और है, 2.08 होगा। तो आप लोगों ने डिवाइड कर लिए होंगे, इसको तकसीम कर दिए होंगे। तो आपको पूछा गया था कि इनमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी कीमत होंगी, उसमें 1 1 कैंसिल हो गए, अब 2.08 छोटा है किससे, 2.09 से, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, सैलरी ऑफ अनाया इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज बाय 20% चेंज इन हिज सैलरी। तो उसकी सैलरी में जो चेंज हुआ वो डिक्रीज हुआ 4%, या 4% का इंक्रीज हुआ, या यहाँ पे 8% डिक्रीज हुआ। अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि
सैलरी ऑफ अनाया फर्स्ट इंक्रीज हुई, अगर उनकी सैलरी कितनी है 100 रुपए है, तो इंक्रीज कितना हुआ 20 रुपए हुआ, यानी कि ये कितना हो गया 120 रुपए उनकी क्या हो गई सैलरी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 100 रुपए में से ही 20 रुपए कम कर दे, 20% डिक्रीज अगर हम कर दे, ठीक है, सिंपल वे में ऐसे करना था आपको, कुछ कंसिडर नहीं करना था वेरिएबल, 20 रुपए अगर हम डिक्रीज कर दे रहे इसमें से, ठीक है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस 120 और 80 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 40%, तो 40% यानी कि कितना हो रहा हमारा, अब ये देखो 0 0 कट गया और यहाँ पॉइंट में आ रहा था 0.4, तो हम 0.4 यहाँ पे 0.4 में हम ले सकते क्या, नहीं, 0.4 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा निगेटिव है ना, डिक्रीज हो रहा, तो डायरेक्ट आपका आंसर था 4% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी सैलरी, ठीक है। तो कोई वेरिएबल कंसिडर नहीं करने का था आपको, डायरेक्ट लेकर करना था। क्लास में मैंने आपको बताई थी कि हमेशा 100 बेस लेके करना, कहाँ देखे थे हमने, रेशियो में भी देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखे थे, कि हमेशा क्या कंसिडर करना 100 को बेस कंसिडर करके ही चीज को करना, तो 2-3 स्टेप में आपके आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस और इसका सेवेंथ टर्म आप पहचानिए, तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखो 3 से 6 कैसे हुआ, 6 से 9 कैसे हुआ, तो ये टेबल बन सकता है कि पहले देख लो 3 का, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, अगर ये 3 का टेबल है तो 7 टर्म क्या होगा उसका, 7 नंबर पे कौन आएगा 21, 7 × 21, तो आंसर क्या है उसका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अब साउथ की तरफ फेस है, राम स्टार्टेड वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 3 meters। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने इसको ऑरेंज कलर कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं साउथ की तरफ गए, कितना गए साउथ की तरफ, कितना गए वो वॉकिंग टर्न लेफ्ट है वॉट 30 meters। अब 30 meters क्या गए साउथ की तरफ गए, अब हमने डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन में जब साउथ की तरफ हमारा फेस है तो हमारा राइट क्या हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट हो गया था हमारा क्या राइट, ठीक है, ये हमने देख लिए थे ना। अब यहाँ से लेफ्ट पे गए वो और कितना टर्न हुए 25, अब 25 meters लेफ्ट पे टर्न हो गए एंड टर्न लेफ्ट। अब देखो ये मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ से आप लोग को ओरली बोलने के लिए बोली थी कि ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ऊपर मेरा ये हाथ है, नीचे मेरा ये हाथ है, अगर मैं इधर फेस करूँ, अब मेरा देखो डायरेक्शन इधर है, तो ऊपर मेरा क्या है राइट है, और सॉरी ऊपर मेरा क्या है लेफ्ट है, और नीचे क्या है मेरा राइट हैंड है ना, ये हमने देखे थे ना डायरेक्शन और डिस्टेंस जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये मेरा लेफ्ट है। अब वहां पे क्या बोल रहे हैं कि वो लेफ्ट में और कितना चले 30 चले, यानी कि फिर यहाँ तक आए है ना 30 meters तक गए। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो ये उनका एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 25 meters, तो आंसर होगा आपका 25 meters, लेकिन पोजिशन भी है ना, हाँ हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पोजिशन से कितनी दूरी पे है 25 के है, और कौन से डायरेक्शन में है ये, यहाँ से ये डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई उनकी ईस्ट, 25 meters ईस्ट में है वो, अभी क्लियर हो गया आपको ये ऑनलाइन से, क्लियर हो जा रहा ना ऑनलाइन से, नेक्स्ट है आवाज क्लियर है मेरी, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को बराबर,
यस मैम। ओके ठीक है, ये ना आपने बनाई थी, इफ एक्स स्क्वायर इज 196, तो 196 किसका स्क्वायर है, किसका है, 14 का, ठीक है, एंड y square इक्वल है ये 225 है ना, और ये किसका है 15 का, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x plus y square, तो x plus y whole square क्या हो जाएगा, 14 plus 15 whole square equal to 19 का square, तो 19 का square आपको यहाँ से लेने का था, तो 19 का square क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 841, इतना ही था। नेक्स्ट है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये ना कंप्यूटर से वो करने पे ना आपको शायद यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, तो आप हमेशा ये चीज को समझ लेना, इनकेस अगर पेपर में भी ऐसा हो जाए, कंप्यूटराइज जब रहेगा, वैसे वहां नहीं होता, ये 2 है और ये एक्स है, और उसके बाद जो भी रहेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मुरब्बई मसावात में, वो हमेशा उसकी पावर रहती, कुव्वत रहती, तो वो आपने इनकेस अगर ऐसा हो तो आपने समझ लेना, वो पावर है यानी कि कुव्वत है, प्लस 3x - 20 = 0, तो आपको x की दो वैल्यू जो आएंगी वो मालूम करना थी, तो हमने क्लास में शॉर्ट में देख लिए थे ना, ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है, और 40 को दो नंबर से मल्टीप्लाई करो कि प्लस माइनस करने पे प्लस 3 आना, तो 8 × 5 8×5 = 40 है ना, प्लस का 3 है तो प्लस 8 - 5 = 0, अब हम ये ले सकते ना, सॉरी इक्वल टू प्लस 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, तो आप उसको 0 समझ लेंगे, प्लस 8 - 5 = 3, तो हम इक्वल टू 0 करके उसको ले सकते, किसको, इसको। अब मैंने आपको क्लास में बता दी थी कि जब भी आपकी ये साइन बनेंगी तो आप फाइनल आंसर के लिए इसकी अपोजिट साइन ले लेना, -8 और +5 इसका आंसर हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ नहीं, एक और चीज, अच्छा ठीक है, नहीं एक और चीज यहाँ पे ना 2 डायरेक्ट ले लो ना, यहाँ 2 है ना, ये 2 छोड़ दी मैंने, 2x², तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 + 8 - 5 + 8 - 5, तो आंसर आपका ये 2 है, तो यहाँ से 8, ये जो 8 है वो यहाँ आने पर 8/2 हो जाएगा, +8/2, और ये हो जाएगा -5/2, ठीक है, तो 8/2 यानी कि कितना 4, और ये हो जाएगा -5/2, अगर यहाँ पॉइंट में रहता तो आप इसको भी डिवाइड करना था, अब ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, x चेंज हो जाएगा, प्लस साइन है तो -4 हो जाएगा और माइनस है तो +5/2 हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका -4 और 5/2। अब ये आपको क्लियर है, ये शॉर्ट में क्लियर है, इक्वेशन हम पढ़ चुके थे ना क्लास में, शॉर्ट में क्लियर है ना, डायरेक्ट मैंने बताई थी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और क्या आता देखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। क्लियर हो गया इतना, ये शॉर्ट में ही करना, हाँ अगर किसी को डाउट है तो देख लो, क्योंकि एक आध तो आपको इसका क्वेश्चन मिल ही जाएगा उसमें, ये क्या हो गया 8 × 5 लिया आपने, +8 और -5 ना, तो ये 2x² + 8x - 5 - 20 = 0, ठीक है, ये ऐसे इक्वेशन बनती, तो इतना सब आपने वहां पे नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्ट में करना, ठीक है, क्योंकि आपको शॉर्टकट ट्रिक ही सारों में यूज करना है, तो
तो ये ट्रेडिशनल मत करो, अगर कोई लेट ज्वाइन हुए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो वो ना रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, ठीक है? इक्वेशन वाला टॉपिक, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा तो आपको गेस करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या हुआ होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से क्या हुआ होगा। यानी कि फोकस आपका किस पर रहेगा कि यहाँ से ये दो के साथ क्या हुआ होगा कि ये बना होगा, ठीक है, या फिर ये दो के साथ क्या हुआ होगा कि ये बने होंगे। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो हम पहले ये देखते कि इन दो के साथ क्या करें कि चार होता। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 × 15, और इसको किसी से डिवाइड वगैरह करके देखो तो 4 नहीं आ रहा आपका, ठीक है। फिर आप क्या करो, एडिशन करके देखो, 3 + 5 क्या हो गया, 8। अब 4 कैसे बन सकता है 8 से, इसको 2 से अगर डिवाइड करो तो 4 बन सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन आप देख सकते, ट्राई कर लो, ये भी ऐसी हो रहा क्या। 6 + 8 कितना हो गया, 14। 14 को 2 से, इसको 2 से डिवाइड करें ना, उसको 2 से डिवाइड करके देखो, 7 आ रहा क्या, आ रहा। इसका मतलब यही चीज थी, हो सकता है कि यहाँ वो 3 से डिवाइड कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे। तो ये आपको नहीं, मैं अभी यहाँ करा देती, मैंने दी थी उनको आंसर की के आंसर वो करो करके, नहीं 7 आंसर कैसे आएंगे इसका। ये देखो 8 + 4 कितने होते, 12। 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6, आंसर 6 आएंगे ना, उसका 7 नहीं। इनका सम कर दिया आपने, हाँ कर सकते। अब उसमें अलग अलग स्थिति होती, आपने क्या करे, इनका सम कर दिए, इनका सम करके आपने इसको क्या करे, इसको 12 कर दिए, तो इसका सम 12 आ रहा आपका, नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये आपके पास सिर्फ 12 बन रहा और आपने बोले कि आपने एच कंसिडर, हाँ हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, आप इतना नहीं करेंगे उस पर, ये वो है, ये इस पर आप नहीं कर सकते इतना, इतने एप्लीकेशन एक साथ कैसे यूज कर दिया। सिंपल ट्रिक रहती इसकी कि आपको जहाँ क्वेश्चन मार्क आता, क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ है, ठीक है, इतना नहीं करना पेपर में, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के साथ क्या हुआ कि ये बना, इन दोनों के साथ क्या हुआ तो ये बना, तो इन दोनों के साथ क्या होगा तो ये बनेगा, ठीक है। या क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो आप हॉरिजेंटली देखो कि इन दोनों के साथ कुछ किए तो ये बना, इन दोनों के साथ कुछ किए तो ये बना होगा, तो इन दोनों के साथ क्या करेंगे कि ये बनेगा। इसके अलावा आप ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ से कुछ ले रहे हैं, यहाँ से, एक ही चीज एट अ टाइम, एक ही चीज इसमें यूज करेंगे आप। मैट्रिक्स नहीं, ये पजल, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये पजल है, पजल का क्वेश्चन है, ये पजल है, मैथ में पजल बोलते इसको। हाँ आ गया आंसर, आंसर की में देख लो, 6 हाउ 6 ही है, हो गया। ये देखो यहाँ गलती से 16 वो उन्होंने टाइप करने में करे, आंसर 6 है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट वाला, इफ 10 12 16 एंड x आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होंगी। प्रोपोर्शन में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब आप लोग आंसर दे रहे, हाँ कैसे किए, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लिए थे ना, ये क्या हो जाएगा 10/12 इक्वल टू 16 अपॉन x, क्यों, क्योंकि ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, अगर यहाँ 16 होता और यहाँ x होता तो x अपॉन 16 हो जाता है आपका, है ना। अब ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16,
तो x इक्वल टू 8 इंटू 12 अपॉन 5, ठीक है। तिरछी जरब करो अगर आपको नहीं करना है तो, ये x इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन 10, वही मतलब हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। ठीक है, वही होना ना। पॉइंट में है ना 96 बाय 5 पॉइंट में आएगा। आंसर की में क्या दिए बोले, 2? नहीं ना, 2 नहीं दिए, 3 है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर की में गलत टिक कर दिए क्या उन्होंने? अच्छा उन्होंने शायद आंसर की में ना गलती से गलत टिक कर रहे, मैंने आंसर दे दी थी, राइट आंसर मैंने दे दी थी टिक करने के लिए, शायद उन्होंने गलत करे। आप इसको डिवाइड कर दो, 9 एकन 9, यहाँ 4 बजे 5 ना है 45, 1 बचा तो 19 पॉइंट आएगा, तो 19.2 5 2 10। आंसर की में अगर रॉन्ग टिक करेंगे तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए, आंसर की दे दी थी मैंने, हो सकता है कि शायद गलती से उन्होंने किए होंगे। गलत किए क्या आंसर की में, क्या दिया आंसर? बी दे दिए। अच्छा नहीं, गलत उन्होंने आंसर की में ना, मैंने राइट आंसर दे दी थी, उन्होंने शायद गलती से गलत टिक कर दिए। आप देख लीजिए आंसर आपका 3 होगा। अब इंशाल्लाह कल से ना आंसर की में गलती नहीं रहेंगी, यहाँ भी कुछ गलत दे दिए, मैं आपको बता देती। असल में वो कंप्यूटर में पेस्ट करते ना तो वहां पे फिर थोड़ी गलती होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके उसमें, मेरा यही है क्या? ए इज द सिस्टर, देखिए ए इज द सिस्टर ऑफ बी के, अब यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना ब्लड रिलेशन में। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो दोनों कैसे होंगे? दोनों बिल्कुल इक्वल पोजीशन पर रखेंगे क्योंकि भाई बहन है ना, हमने देख लिए थे। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये जो सी है सी भी इनके क्या रहेगा? साथ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई बहन है, इक्वल है। सी इज द सन ऑफ डी, लेकिन ये जो सी है ना वो किसका सन है? डी का सन है, यानी कि यहाँ पे डी क्या होंगे फिर उनके ऊपर। अब ये जो डी है तो डी कौन है? अब ये डी या तो फादर हो सकते हैं या फिर मदर हो सकते हैं, उन्होंने लिख के थोड़ी दिए फादर है या मदर है, दोनों में से कोई एक होंगे, है ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो अब ये डी ए के कौन है? डी ए के कौन है? ए डी के कौन है नहीं पूछी मैंने, वो डॉटर हो जाएंगे। मैंने पूछी आपको डी ए के कौन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये पूछा गया। डी ए के कौन है? कौन है? फादर और मदर, या तो फादर होंगे या फिर मदर होंगे, या तो फादर होंगे या फिर मदर होंगे, उसमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है आंसर की में बराबर, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, ठीक है, वो कंप्यूटराइज करने में यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसको स्किप कर लो आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% कैन डू अ जॉब इन 20 डे, 10% कितने डे में कर रहे, डेज कितने ले रहे? 20 डे, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पर्सन, 20 डे, देन 20% पर्सन विद द ट्वाइस एफिशिएंसी कैन डू सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। अब देखो हमने ना वर्क एंड टाइम में हमने देखे थे कि टोटल निकालो, लेकिन ये क्वेश्चन को ना इतना सिंपल करके दे दिए कि आप इसको नॉर्मली भी कर सकते। क्या बोले कि 10 लोग 20 दिन में काम पूरा कर रहे, अब जो 20 लोग है तो वो, अब देखो यहाँ लोग बढ़ा दिए, 10 के बदले 20 कर दिए, तो जो 20 लोग है तो वो 20 दिन में काम करेंगे क्या? नहीं, उससे और कम करेंगे, तो 10 ही दिन में काम पूरा करेंगे वो। क्लियर हो गया?
टोटल वर्क मालूम करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट करो, ठीक है, क्लियर हो गया। वो हम एलसीएम निकाल के कर देते ना टोटल वर्क मालूम, तो यहाँ वो मालूम ही मत करो, डायरेक्ट कर लो। जाहिर बात है 20 लोग हैं तो वो आधे दिन में कर देंगे ना, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो 20 लोग है ना वो ट्वाइस एफिशिएंसी रखते, यानी कि वो काम करने की डबल सलाहियत रखते। तो अगर वो 10 दिन में काम पूरा करेंगे 20 लोग, तो लेकिन ये वो लोग हैं जो ज्यादा एफिशिएंसी रखते, यानी कि कितना, ट्वाइस। तो जाहिर बात है 10 के बदले 2 गुना ज्यादा वो काम कर रहे, तो फिर 2 से डिवाइड करो तो कितने दिन में पूरा कर देंगे वो, 5 डेज में ही उसको पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर की में है बराबर, ठीक है ना। अगर कोई आंसर की में रॉन्ग आ रहा होगा ना तो मेरे को बोलो, मैं यहाँ करा दू, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 डेज, क्लियर है। यहाँ पे टोटल वर्क नहीं निकालना, आपकी स्टेप नहीं बढ़ाना, हमने जो देखे थे ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द क्लॉक शोज, अब इसका आंसर तो आप डायरेक्ट दे सकते ना, मैं पूरा कैलकुलेशन कराने की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मूला याद है ना क्या है, व्हेन द क्लॉक शोज 3 hours 14 minutes, यानी कि क्या दे दिया आपको, 3 घंटे 14 मिनट दे दिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड, अब बोलिए, मिनट और आर दोनों दिए, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 30 into hour minus 11/2 into minutes, यही था ना, ठीक है। तो अब आप इसको कर लो, आर है यहाँ, 30 into 3 minus 11/2 into 14 minutes, अब इसको कैंसल कर दो, 2 7 14, ये कितना हो गया, 90 और 77, बस इसको माइनस कर दो, 10 में से 7 गए कितने, 3, तो आंसर क्या होगा आपका, 13, राइट, पीछे के देखिए 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई की इसमें वैल्यू मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, y मालूम कर लो पहले, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्री पढ़ लिए थे, अब ये देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल, तो ये इक्वल होगा किसके, y से, तो y कितना होने वाला है, 80। अब यहाँ देख लो y 80 कहाँ पर है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसल हो गए, है ना, लेकिन 80 80 दे दिए, तो अब आपको फिर से देखना पड़ेगा। देखो पूरा एक जो ट्रायंगल रहता है वो कितने का रहता, 180 डिग्री, ये हमने देख लिए थे ना 180 का, तो यहाँ पे ये 2 तो दिए हुए है, 80 + 50 + x = कितना, 180, है ना, तो ये कितना हो गया, 130 + x = 180, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 50, 180 - 130, यानी कि कितना, 50। अगर आपको यहाँ 80 नहीं रहता तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, डायरेक्ट टिक कर लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते इसको। देखिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, राम वॉक स्पेलिंग 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहे, कहाँ पे लेके जाएंगे हम, यहाँ पे 30 मीटर तक जाएंगे। अब ईस्ट पे यहाँ चले गए, तो राइट और लेफ्ट मैंने आपको सॉल्व करते वक्त बताई थी कि पहले ही लिख लेना, है ना, तो ऊपर क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड है, नीचे क्या है, राइट हैंड। टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, अब राइट टर्न यानी कि यहाँ टर्न लिए और कितना गए, 40 मीटर गए। अब नीचे आने पे ये क्या हो गया उनका, लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, फिर यहाँ तक आए, यानी कि फिर से ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो वो किस डायरेक्शन में है, मैम ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मिनट,
एक सेकेंड है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 30 गया वो, यहाँ ये एंड पॉइंट है उनका। हाँ अब बोलिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ एंड पॉइंट पे है, तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा यानी के साउथ, और जाना पड़ेगा यहाँ पे यानी के कहाँ, ईस्ट में। तो अभी कहाँ है वो, साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देख लीजिए सी राइट किए क्या आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, इसमें इसका जो डायरेक्शन था वो मिस हो गया, ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाले सेट में आ जाएगा आपको डायरेक्शन के साथ, रिपीट हो जाएगा। हाँ डायरेक्शन मिसिंग था, हाँ इसमें, हाँ इसमें मिसिंग हो गया, इसलिए मैंने खुद लिख कर ला ली यहाँ पे ना। देखो इफ ये एक्स नहीं है, ये स्टार है, स्टार मीन्स, तो मैंने यहाँ लिख कर ला दी जो मिस हुआ। स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन रहेगा, हैशटैग मीन्स डिवीजन, एट द रेट मीन्स नहीं सब्सट्रैक्शन, ये डिवीजन, और डॉलर का मतलब रहेगा एडिशन, ठीक है। ये ऐसा है स्टार के मीनिंग यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और हैशटैग मिस हो गया, हैशटैग यानी कि क्या है सब्सट्रैक्शन, एट द रेट यानी कि डिवीजन, और इसके ये क्या है एडिशन, ये है वो। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना था कि इसको सॉल्व करने पे क्या होगा। देख लीजिए वैल्यू 25, हैशटैग $5.3, $5.3, स्टार 4, एट द रेट 6। अब सही है, कर लीजिए इसको, 25 हैशटैग $5.3, स्टार 4, एट द रेट 6। 25 इसके बदले क्या रहेंगे, -5, डॉलर प्लस 3, स्टार मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड करेंगे किसे, 6 से। हाँ कीजिए आप, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ये जो है पार्ट 3 × 4 डिवाइड बाय 6 ऐसे कर दूं मैं, तो ये कितना हो गया, 3 × 3 = 3, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हो गया 25 - 5 + 2, एडिशन था वहां पे, प्लस है ना यहाँ साइन, हाँ प्लस 2 बराबर है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन आप कैसे करेंगे बोलो, 25 + 2 एडिशन करते ना, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करते तो -5, तो ये हो जाएगा 27 - 5। तो 27 - 5 अब कर लो तो कितना हो जाएगा, 22। देख लीजिए ऑप्शन नंबर थर्ड है क्वेश्चन, नहीं उसमें ना वो गलती से, आज कल के सेट में इंशाल्लाह नहीं होगी गलती। देखिए डायरेक्शन दिया गया है, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन व्हिच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड यानी कि क्या रहता है, कि वो उसके अंदर छुपी हुई चीज जो है, कि ये फिगर, अब ये जो फिगर आपको दी गई है तो इनके अंदर ना ये पार्ट कहीं छुपा हुआ है, तो ये छुपा हुआ पार्ट इनमें से कौन सी फिगर के अंदर का है, आपको ये मालूम करना रहता। तो क्या करना, कभी भी इसको कंप्लीट कर देना फिगर को। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ना ज्वाइन भी कर लो यहाँ से, ये ज्वाइन करके देख लिया हमने। तो देखो ज्वाइन करने पे कि ये फिगर में ये ऐसा बीच में से कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा क्या, नहीं, यहाँ आ रहा क्या, नहीं, अब यहाँ यहाँ भी नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर, अब इसको कंप्लीट करके देख लो, इसको यहाँ तक लेकर चले जाओ, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो कौन सी है वो, ऑप्शन नंबर बी, के वो छुपा हुआ पार्ट टाइम में का है, इसमें का था वो, हाँ ये मैंने अब आपको बता दी थी। बोलिए आंसर क्या बोले,
एक क्वेश्चन मिस हुआ, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मिस हुआ क्या पीछे? एक क्वेश्चन कहाँ है? एक और क्वेश्चन होना था ना अभी, एक क्वेश्चन मिस हुआ, एक क्वेश्चन और होना था, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पीडीएफ में कौन सा है, ये होना चाहिए था कि मनीष रैंक 16 फ्रॉम द टॉप है क्वेश्चन, रैंकिंग ऑर्डर का एक डाली मैंने। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा मिस है यहाँ पे? एक और क्वेश्चन आगे तो नहीं है, एक सेकेंड मैं देख लेती कहीं आगे तो वो एक क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन और ना होना था। ठीक है ये क्वेश्चन ना मैं एक क्वेश्चन आपको और बाद में लास्ट में कराती हूँ, एक और क्वेश्चन होना चाहिए था आपका, रैंकिंग ऑर्डर का था इसके बाद। ठीक है मैं करा देती आपको, यहाँ बोर्ड पर लिखा के करा देती इनकेस उसमें नहीं भी होगा तो। देखिए एन अनफोल्डेड डाइस, अनफोल्डेड डाइस मैंने आपको बता दी थी कि ऐसा रहता है ना, इनमें से वो कौन सा डाइस होगा जो वो फिगर को शो नहीं करेगा। तो जोड़ी ले लो, ए की जोड़ी किसके साथ है? सी के साथ है, तो बी की किसके साथ रहेंगी? डी के, और ई की किसके साथ रहेंगी? एफ के। तो अब वो कौन सी फिगर है जिनका अपोजिट साइड नजर नहीं आना चाहिए? तो देखो बी का यहाँ डी नजर आ गया, ई का एफ नजर आ गया, आंसर आपका सी होगा जिसमें कोई नजर नहीं आ रहे है, और ये ई के साथ एफ नजर आ गया तो ये भी कैंसल हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सी, ये इसका आंसर होगा। अब ये आप लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन का नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये तो आपने कर लिए होंगे, इसका आंसर डायरेक्ट बोल देती अब मैं, क्योंकि आपको जमा और तफरीक ही करना था सिर्फ, तो वो तो आप कर सकते। तो आंसर क्या है इसका? सी। नहीं आया वैल्यू बोलो, अभी कर लेती मैं। 9 कैंसल हो गया यहाँ से, ये 10 और 8 18, यानी कि ये कैंसिल कर दो, 9 कैंसिल कर दो तो ये 8 माइनस 9 कर दो तो ये 6 माइनस ये पूरे 0 प्लस ये कैंसिल तो ये 6, ठीक है तो ये कितना हो गया 2 प्लस 6 यानी कि 8, ये 10 और ये 17 यानी कि 8। ये कैंसल हो गया, ये 8 10 यानी कि 8, ये 7, ये 10 करो, ये 10 और 7 और 7 14, ये कैंसल हो गया 9 और ये 5। फर्स्ट आंसर आया क्या? अप्रोक्सीमेट ले रहे, अप्रोक्सीमेट क्यों ले रहे आप उसको? एडिशन करो कैलकुलेटर से, मैं अभी जो बोल रही आपको क्वेश्चन बोल रही मैं, आप जल्दी से एडिशन करो उसका। 4 6 8 9 प्लस 5 4 3 2 हो गया, अब उसमें से माइनस कर लो, माइनस कीजिए 8 6 2 1 माइनस करो और 9 2 4 2 4 और माइनस कीजिए 9 9 9 9 4 2 3 आ रहा नहीं, ये ऑप्शन तो उनके ही पेपर के, उनके ही पेपर के ऑप्शन है दिए हुए है, इसलिए अप्रोक्सीमेट एक काम करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करो उनकी, एक दो मिनट हाँ, क्योंकि वो उनके ही क्वेश्चन के है ऑप्शन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कीजिए उनकी, क्या कर लेंगे इसको अपन 4600 है ना, तो उसको ना और वो भी 89 पे है, अप्रोक्सीमेट पकड़ लो उसको 4700 कीजिएगा और उसमें ऐड करो 4500, अप्रोक्सीमेट बोल दिया मैं, एडिशन हो गया, माइनस कीजिए उसमें से 8500 माइनस कीजिए, हाँ फिर माइनस कर लो उसमें से 900 करें, फिर माइनस कीजिए उसमें से
9,999 नौ, 10,000 कर लो डायरेक्ट, कितना आया? नहीं, इनके ऑप्शन यही थे। हो सकता कि ये जो क्वेश्चन में वैल्यू जब मर्ज हुई, हेलो, ये हाँ 8,423 आंसर आ रहा मैडम इसका, 8,423 जो ऑप्शन नंबर 8,000 अप्रोक्सीमेटली है। हाँ ऑप्शन पहले पूरे कैलकुलेटर से, हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए थे। हाँ मैडम, लेकिन आंसर में ये ऑप्शन थे ना, ऑप्शन में सबसे नजदीक वही लगा 7,000 के आसपास, तो सी ऑप्शन मारा तो करेक्ट आया। अच्छा तो सी ऑप्शन, तो पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके कर लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑनलाइन से अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लिए आपने कैलकुलेटर पे गलत। हाँ नहीं, ये अप्रोक्सीमेट में 7,575, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला दे देते के आसपास की वैल्यू देख लो उसके, तो आया उसका सी बराबर आ रहा ना, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही ऑनलाइन वाले के पास से। अप्रोक्सीमेट पकड़ लेना, यहाँ पे पास की कोई वैल्यू करके देख लेना, और ऑप्शन में फिर पास की वैल्यू देख लेना, उसके आसपास की देख लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला दे दिया। ओरली आंसर बोलिए, मैंने क्लास में बोली थी ओरली आंसर देना इसका, ओरल बोलो। ऑप्शन नंबर सी 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 था, और 6 में क्या ऐड करते थे हम, दो बड़े ट्रायंगल, यानी कि कितना 8, तो यहाँ तो कैलकुलेट करने का कुछ था ही नहीं। ये बोल दीजिए, ये क्या है, 2 का क्यूब है ना -24 और 2 का स्क्वायर +6 +9, तो 2 का क्यूब कितना है 8 -27, और ये कितना हो जाएगा 4 + 15, तो कितना हो जाएगा 19, -19 + 19 कैंसिल होने पे -1। देखिए -1 आंसर आया क्या, ऑप्शन नंबर बी है क्या, देख लो आ गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर की से भी टैली कीजिए कि वहां मिस्टेक तो नहीं हो गया। ये वाला क्वेश्चन है उसके बाद, इन द गिवन फिगर पी ओ एस इज अ लाइन, फाइंड एक्स। अब ये जो पी ओ एस है ना, ये एक लाइन है, एक लाइन है मतलब कितनी की है, 180 है की है, ये कितना है 60, ये कितना है 40, और ये कितना है 4x, तो आपको x मालूम करना था, तो इनका सम कर दो, इनका सम कितना हो जाएगा 60 + 40 + 4x = कितना 180, तो ये कितना हो गया 100 + 4x = 180, तो ये कितना हो जाएगा 4x = 80, 4×4 = 8, 20 है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या इसका, ऑप्शन है बराबर, हाँ 21 आया बराबर। हाँ अब इसका बोलिए, टाइम अपियर इन मिरर, मिरर में टाइम है और जो क्लॉक है, और टाइम कितना है 12 है, कम है, तो कैसे लेते हम 11 आर और 59 मिनट में से जो गिवन टाइम है उसको क्या करते हम माइनस कर लेते थे, है ना, माइनस कर देते ना हम, ट्वेल्व आर 59 मिनट में से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना, क्या कंसीडर करेंगे बोलो,
मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है, तो जो गिवन टाइम है वो कितना है, 12th है, ये हेलो 12th मैडम, से क्या है, ये गिवन टाइम कब है, तो हमने क्या लिए थे, इलेवन तो और 60 मिनट। क्लॉक में हम 1 आवर कम कर रहे थे ना, 1 आवर और 59 मिनट हम आर कम कर ले रहे थे ना वहां पे, है ना, तो 11 आवर 59। हाँ इलेवन हाँ बोलिए। आवर लेना है 60 मिनट, तो हमने इधर ऐसा सॉल्व किया, 11 आवर 60 मिनट, इलेवन 60 मिनट लिया था हमने। आर नहीं, 60 नहीं लेते, मैंने आप लोगों को हाँ बताई थी, देखो मिरर इमेज में अगर जो टाइम है वो लेस देन 12 है ना, तो आप 11 आवर 59 मिनट में से माइनस करते, अगर मोर देन 12 है तो क्या लेते थे, 23 आवर और 59 में से माइनस करते, और अगर सेकेंड डे दिए आप जाते आपको, तो 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड में से माइनस करते। ये हाँ तीन अच्छा चीजें अच्छा आपको बता दी थी ना मैंने, ठीक है। तो हाँ अब देखिए यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पे देखिए 11 आवर 59 मिनट में से आपको 11 आवर 9 मिनट को माइनस करना था, 9 मिनट यानी कि यहाँ पे 50 मिनट हो गए, और यहाँ पे 0 आवर है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ 50 आ रहा था, तो यहाँ कुछ गड़बड़ ऑप्शन में ना टाइप करने में कुछ गड़बड़ हुई, मेरे को लगता कि ये तो उन्होंने वैल्यू दे दिए, ये तो नहीं है, वहां 50 मिनट है तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 50 आने वाला था। देखा जीरो आर को अपन 12 नहीं लेते ना, 0 आर को 12 कहाँ कंसिडर करते, 0 आर 12 हो रहा, एक सेकेंड, यहाँ 0 डिग्री से जाते हम 360 पर आते, 0 से 0 अगर हम कंसिडर करें कि मिरर में अगर, तो वो होगा 12, 12 होंगे, तो 0 मतलब 12 आवर और यहाँ पे 50 मिनट, नहीं, 1 मिनट होता हो मिरर में, मिरर का फॉर्मूला फिक्स है, मिनट कम होता है ना, आप नोट्स में देखो, नोट्स में देखो, मुझे याद आ जाएगा, नोट्स में देखो एक बार, ऑनलाइन से या ऑफलाइन वाले अभी कोई ज्वाइन है तो देखो नोट्स में, 59 मिनट में से ही माइनस कर दो, देखो फिफ्टी नाइन में से ही कर दो, वेट 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 वेट, याद आ गया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आर कैंसिल होता उसमें से, देखिए वैल्यू अगर टाइम अगर लेस देन 12 आर है तो 11 आर एंड 60 मिनट लेते, ठीक है, सॉरी यार याद नहीं आ रहा था मेरे को, ठीक है, और अगर मोर देन 12 आर है तो 23 आर में से कम करते हैं, हम कभी भी मिनट में से नहीं करते हैं, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा था, और उसके बाद अगर सेकेंड डीआर जाता तो 11 आवर, यहाँ 59 मिनट, 1 मिनट कम होता और 60 सेकंड पूरे रहते, ठीक है, सॉरी हाँ अब याद आया, ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, 11 60 में से आपको 11 50 कितना था, कितना दिया हुआ, 09 आपको माइनस करना था, ठीक है, तो अब आएगा आपका आंसर 10 में से, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 5 और यहाँ 0 का मतलब है 12 आवर 51 मिनट, ऑप्शन नंबर 3rd राइट है, इसका राइट है, हाँ बराबर, मैं यहाँ ना 1 मिनट कम कर दे रही थी, सॉरी यार ये मेरे को रिकॉल नहीं हुआ जल्दी, देख लीजिए इसको, क्लियर हो गया, अभी ये कंडीशन थी ना हमारी मिरर के लिए, और वाटर के लिए क्या कंडीशन है, कितना 18 आवर और 30 मिनट में से आप क्या करना, माइनस कर लेना वाटर इमेज के लिए, लेकिन अगर वाटर के लिए उन्होंने खुद घड़ी दे दी आपको, तो फिर वो घड़ी में से आप क्या करते, 1 आवर कम करते, ठीक है, ये इतना देख लीजिए, यहाँ ये रिकॉल नहीं हो पा रहा था मुझे, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑनलाइन से, ठीक
ऑनलाइन से 0 आर यानी कि 12 आर, क्लियर हुआ? ऑनलाइन से आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। ये बोलिए क्या आया इसका आंसर। फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन ऑफ, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 32। तो मीन प्रपोर्शन हम स्क्वायर से लेते, कितना 8 into 32, बस इसका स्क्वायर कर लो आप, कितना हो गया 8 2 16, 8 24 और ये 25, रूट में उसको ले लो, ठीक है? कितना आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर 4 राइट आ रहा आंसर की मैं देख लू, 4 है राइट, ठीक है। इसमें मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन में मिस्टेक है? देख लेते सॉल्व करते, आंसर में मिस्टेक है क्या देख लेते। समीर वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट टू हिज हाउस। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है समीर का, और वॉक कर रहा कहाँ, वेस्ट की तरफ, यहाँ कितना 10 मीटर, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस। देन ही टेक 5 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब देखो वो यहाँ है तो उसका लेफ्ट राइट पहले ही लिख लो, ऊपर क्या है लेफ्ट और नीचे क्या है उसका राइट है, ठीक है? तो टर्न कितना हुआ वो लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि यहाँ टर्न हुआ 5। आफ्टर ही वॉक 10 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहाँ फिर से 10 मीटर चला गया, 10 मीटर टू ही लेफ्ट। यहाँ बीच में बना दी, देखो समीर वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब यहाँ से बनाती, ये समीर है अपने वेस्ट में गया, कितना गया 10 मीटर, अब वो वेस्ट में गया तो ये उसका क्या हो गया ऊपर राइट और ये क्या हो गया लेफ्ट। देन ही वॉक 5 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो कितना टर्न हुआ लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना हुआ 5 मीटर तक टर्न हुआ टू हिज लेफ्ट। आफ्टर ही वॉक 10 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और 10 मीटर टर्न हुआ उसके लेफ्ट पे। अब देखो जब नीचे आया तो ये उसका लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ पे फिर से कितना 10, ठीक है 10 मीटर यहाँ पर गया वो। एंड इन द एंड ही वॉक 10 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब देखो यहाँ पे है तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो और कितना गया वो, और कितना टर्न हुआ 10 मीटर, 10 मीटर यानी कि यहाँ 5 हो रहा था तो और कितना हो जाएगा ऊपर जाके और 5, तो समझो यहाँ पर है वो, इतना 10 मीटर हो गया। 10 मीटर इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखो तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, बराबर है ना आंसर, आंसर की में भी नॉर्थ में है, नॉर्थ में है ना, अभी वो कौन सी डायरेक्शन में फेस है उसका, नॉर्थ की तरफ, बराबर है ना, आपका नहीं आया था, नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 12, मैंने शॉर्टकट आपको बता दी थी, लास्ट नंबर क्या है 12 को 2 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ इवन नंबर मालूम हो जाएंगे, कितने हैं 6, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास इवन नंबर के सम का एवरेज मालूम करने का, एन प्लस वन, तो 6 + 1 यानी कि कितना 7, तो ऑप्शन नंबर 4 है क्या, देख लो 4 है, डी आ रहा, हाँ डी है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट 3 hours 40 minutes into minutes, अब ये तो कर लिए होंगे ना, 3 hours यानी कि 3 into 60 करो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कितना हो गया 24, और उसमें और कितना मालूम, नहीं सॉरी 180, ठीक है, और उसमें कितना ऐड करना है आपको 40 मिनट और ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 है क्या, देख लो, क्या है एक रह गया, क्या एक रह गया, नहीं अच्छा
मेरे को लगा एक छूट गया करके क्वेश्चन। और है क्या मेरा? हाँ ये है, चलो क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर एंड देयर एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दे दिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल होता बोली है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए और बी, दो नंबर आपके पास दिए गए हैं उनके, उनमें से एक नंबर उन्होंने आपको दे दिए यानी कि 864 इंटू 144 इक्वल होगा 288 इंटू वो नंबर जो नहीं मालूम है वो x है, बस इसको यहाँ पर ला लो आप 288 और डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आएगा इसका 432। ऑप्शन नंबर सी है क्या आंसर की, मैं देख लीजिए है ना, फॉर्मूला याद होगा तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे और बस डिवाइड करने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग फाइव गर्ल्स मीना इज हेवियर देन किरण एंड टीना। अब देखो ये मैंने आपको कब बोली थी और रैंकिंग ऑर्डर में बोली थी कि एज है ना, हाइट, वेट और क्या अर्निंग, ये चार चीजें बोली थी ना, इसको लेके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, वो एक क्वेश्चन ली देखो मैंने, अमंग फाइव गर्ल्स मीना इज हेवियर देन किरण एंड टीना, तो यहीं से सॉल्व करेंगे आप। बोलिए मीना यहाँ है, मीना के और साइन कौन सा लेंगे, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट कर लो, दो लोगों की पोजीशन क्लियर नहीं बोल देना, ऐसे कर लो ठीक है, ये हो गए किससे बड़े हैं वो, किरण और टीना से हेवियर है, वेट में ज्यादा है ठीक है, तो जाहिर बात है मीना ही बड़े रहने वाले हैं, तो आप वर्टिकली अगर ले रहे होंगे तो वर्टिकली ले लो, मीना रहेंगे और इनके मीना के नीचे कौन रहेंगे फिर, किरण और टीना रहेंगे, आज ऐसे भी लो तो ठीक है, और बीना इज लाइटर देन टीना एंड प्रीति, लेकिन ये जो बीना है ना वो क्या है, कम वेट है, किससे, टीना से भी और प्रीति से भी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आप लो तो यहाँ फिर बीना होंगे और उनके ऊपर कहीं टीना और प्रीति रहने वाले है ठीक है, आप दोनों तरीकों से कर सकते इसको सॉल्व, किरण इज नॉट द लाइटेस्ट, अब जो किरण है तो वो लाइटेस्ट नहीं है, तो हमने पहले ही ले लिए कि वो लाइटेस्ट नहीं होने वाले हैं ठीक है, हु अमंग देम इज लाइटेस्ट, तो इन सब में सबसे लाइट वेट किसका होगा फिर, जाहिर बात है बीना का, तो ऑप्शन नंबर टू है कि देख लो है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज फादर ऑफ सी, A is father of C and D is son of B is brother of A if C is sister of D. How is B related to B? ठीक है, A is father of C. तो C ये है और C के father A है, तो कहाँ जाएंगे फिर वो, ऊपर, और ये क्या है, father है C के, तो हमने लिख दिया ऊपर ठीक है, and D is son of B. और जो D है ना वो B के son है, तो जाहिर बात है कि शायद ये फादर है, तो ये उनकी क्या होंगी, बी वाइफ होंगी, और इनके सन कौन है, डी है, तो ये दोनों क्या हो गए फिर, भाई बहन, भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, जो भी है ठीक है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, अब ये जो ए है तो ए के ब्रदर कौन है, ई है, तो फिर हम यहाँ बाजू में इनको लिखेंगे ब्रदर को, इज सी इज सिस्टर ऑफ डी, अब ये जो D है तो D की कौन है, सिस्टर है क्या, इफ सी इज सिस्टर ऑफ D, अच्छा ये जो D है ना तो ये इनके भाई नहीं है, ये क्या है, D की सिस्टर है ठीक है। अब क्या दिया गया है, D, हाउ इज B रिलेटेड टू E, E इज ब्रदर ऑफ D, हाउ इज B रिलेटेड टू E, बोलिए How is B related to E? B E की कौन है? Sister in law. B A की wife है और E की भाभी होंगी ना फिर? Sister in law. हम्म,
सीरीज को कंप्लीट कीजिए ये। हाँ, ये सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप उस पर लिख लो पूरे नंबर, इनके नंबर। ए क्या है? 1। बी क्या है? ए 1 है, बी 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये ऐसे सीरीज जारी। तो जाहिर बात है नेक्स्ट टर्म क्या है? ऐसे ऐसे इसका नंबर आएगा, फिर आर के बाद वाला, ये एस के बाद वाला नंबर आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोली थी ना वो चार्ट लिख के रख लेना लेटर का, और लेटर के नंबर डाल के रख लेना, आपको बता दी थी ना। तो अब आप डायरेक्ट मेरे को नंबर बोलिए इसका। क्यू का नंबर क्या था? क्या है क्यू का नंबर? ये क्या है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना? तो क्यू क्या है हमारे पास? 17। आर कितना है? 18, ये 19। तो जाहिर बात है 20 पे क्या है फिर? टी। टी तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। मेरे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे खत्म। अब मैं आपको उर्दू के क्वेश्चन फटाफट बता देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर है क्या उर्दू के? डायरेक्टली क्वेश्चन ला ली होती मैं, यहाँ पेजेस पे खुले लेती नहीं थे। मिस होने के चांसेस रहेंगे। उर्दू के क्वेश्चन देखिए क्या है। 31 है, पहले 31 है क्या? डायरेक्ट ले लू ना आगे? हाँ, ये 31 है ना पहला क्वेश्चन। ऐसा जुमला जिसके शुरू में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है, वो जुमले क्या होते हैं? इस्तेफामिया जुमले होते हैं, यानी के सवालिया जुमले होते हैं। सादा जुमला क्या रहता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेल का इस्तेमाल होता है, जहाँ सिर्फ एक फेल का इस्तेमाल हो वो सादा जुमला। बयानिया जुमले यानी जिसमें किसी बात को बयान किया जाता है। मुफर्रद जुमले यानी कि क्या? जिसमें भी एक ही फेल होगा, और यहाँ एक फेल के साथ ना कोई सादा बात बोलते हैं, नॉर्मल बात, सादा कोई बयान रहता, कोई एक सादी बात बोली जाती है। और इस्तेफामिया जुमले यानी कि क्या? जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो सवाल पूछेंगे तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर उर्दू का, वो पेज पे जाती थी मैं डायरेक्ट। फिफ्टी टू है, इस जमीन से मुझे दिलचस्पी है। इसमें मुतालिक फेल यानी के एडवर्ब आपको पहचानना था। मुतालिक फेल क्या है? मकानी, मकान, मकानी यानी के क्या? जगह से रिलेटेड या मुकाम से रिलेटेड। तो इस जमीन में है यानी के मुकाम की बात हो रही। और जमानी यानी के क्या रहता था? वक्त, वक्त में अगर आपको डेट या जमाना या दिन अगर बोला जाता था तो वो जमानी होता था। तो आंसर रहेगा आपका मकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पेज पे? यही है 56। ठीक है, वो सिफत जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पे पाई जाती है यानी कि फिक्स्ड उसकी क्वालिटी को बताती है, वो क्या कहलाएंगी? सिफत अददी नहीं, मियारी नहीं, सिफत मियारी नहीं होता, सिफत सिफत जाती और सिफत निस्बती नहीं। तो आंसर होगा सिफत जाती, कि जो मौसूफ की ना फिक्स्ड क्वालिटी को बताती है कि वो चीज है उसके अंदर। तो फिक्स्ड क्वालिटी को अगर वो बताएंगी किसी मौसूफ के,
तो वो उसकी जाती सिफत हो जाती है। और सिफत निस्बते यानी कि क्या, जो अदर चीज से उसका रिलेशन बताएगा कि उसका ताल्लुक किसी और से अगर बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी होना क्या हो गई, हमारे हमारी निस्बत हो गई, ठीक है, तो वो होगा सिफत निस्बती। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, सिफत जाती, नहीं वो गलती से आया होगा, सिफत जाती, ठीक है, सिफत जाती है, निस्बत कहाँ से हो रही, आपके 150 अबव जा रहे, अच्छा हाँ, लेकिन ये मिस्टेक की वजह से नहीं, इसका आंसर सिफत जाती है, ठीक है। तो माशाल्लाह अगर आप 150 कर देना तो ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 क्रॉस हो रही है, 150 जा रहे हैं आपके, क्रॉस हो रहे माशाल्लाह, हाँ अभी भी टाइम है, बहुत ज्यादा चीजें करो अच्छे से हो, हाँ बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, परिंदों का झुंड इस की कौन सी किस्म है, जमा, इसमें जमा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, यहाँ पे इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज क्या कहलाता है, जमीर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दास्तान का मुतरादिफ, दास्तान का मुतरादिफ क्या होगा, हिकायत, हकीकत को बयान करना, दास्तान क्या है, जिसमें कोई किस्सा कहानी जो तवील रहती उसको बताया जाता है, तो उसका जो मुतरादिफ वर्ड यूज होगा वो क्या रहेगा, हिकायत, फसाना नॉवेल कहानी नहीं है, यानी कि हम मायने, तो दास्तान ऐसी रहती कि दास्तान में कोई रियलिटी को भी, एक लंबी कहानी को भी बताया जाता है, तो दोनों, तो उसका मुतरादिफ यहाँ पे हिकायत होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एटी वन है, ठीक है, पांच बच्चे खेल रहे हैं, इसम की कौन सी मिसाल है, इसमें अददी, जमा नहीं है, अदद बता रहे, अदद पांच पे टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए क्या उर्दू के, 95। नेक्स्ट है, वो अल्फाज जिसका कोई मतलब नहीं है या तरतीब ही नहीं है, या मतलब तरतीब के, तरतीब को यहाँ इतना वो नहीं करेंगे हम, मतलब पे ज्यादा फोकस करते हैं, कि वो लफ्ज जिसका मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मुहम्मिल, ऐसे भी लिख कर आ सकता है आपको, या फिर मुभम, मुभम लफ्ज भी लिख के आ सकता था इसके बदले, वो लफ्ज जो मुभम है, पोशीदा है, या जिसके मीनिंग ही नहीं आ रहे, तो वो क्या कहलाते हैं, मुहम्मिल। क्लियर हो गया, और नहीं है ना क्वेश्चन उर्दू के, है, हो गए पूरे, चेक कीजिए उर्दू के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो फिर आपसे ये सेट टू था, सेट टू के पूरे क्वेश्चन हो गए, 10 मिनट से फिर मैं नेक्स्ट सेट ले लूंगी, सेट वन जो कल नहीं हुआ था वो करा दूंगी आप लोगों को यहाँ पे, और आपके अगले भी जो सेट है वो इंशाल्लाह आज ही मैं यहाँ करा दूंगी, आप लोग आपका पेपर होने के बाद उसको देखना फिर, ठीक है मैम। इसकी PDF 99 था, PDF ग्रुप में डाल दी मैंने, सर ने डाले, हाँ एक सेकेंड, हाँ तारीख का एक क्वेश्चन रह गया क्या, हाँ उर्दू का है ना, हाँ लिखा दीजिए मेरे को, एक सेकेंड, एक उर्दू का क्वेश्चन रह गया, बोले देख लो, हाँ तारीख का मुतजाद, ऑप्शन रोशनी होगा या फिर चांदनी है, और क्या आ रहा, रोशन और रोशनी है अंधेरा, तो तारीख का रोशनी और रोशन दोनों यूज में, दो वर्ड है,
दो वर्ड है ना, रोशन है कि। तारीख का मुस्तजात क्या होगा? रोशन। तारीख यानी कि अंधेरा, और अगर ये अंधेरा है उसका क्या हो गया फिर? मुतरादिफ यानी कि हम मायने, है उसका मुतरादिफ हो गया अंधेरा, तो वो होगा रोशन। क्लियर हो गया इतना? रोशन, तारीख, रोशन, रोशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट भी आपको ना वीडियो मिल जाएगा कल का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।